hello everyone welcome to abhimanyu is this is ramesh senior faculty of abhimanyu is and i just want to wish to all the hcs aspirants who would be appearing in the mains examination and especially to those students who are associated with abhimanyu so unkillie कुछ एक चीजें एक आदि कुछ टिप्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूंगा एंड आई होप कि दिस माइट हेल्प यू इन द देंस एग्जामिनेशन वैल यूर राइटिंग पेपर ठीक है कुछ कुछ चीजें हैं जैसे कि एज हैव डिस्कस दिस थिंग्स ऑल्सो इन आर सेशन हमने जो अपने आंसर राइटिंग के सेशन करी हैं उनमें हमने डिस्कस भी किया है बट फिर से दोबारा मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल बी स्टेबिल बिकम ठीक है ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है लूज आउट योर स्ट्रेस एंड ट्राई टू स्पेंड दैट थ्री आवर्स जब आप लिख रहे हो कि हाँ फुल फोकस के साथ लिखें और ज्यादा इधर उधर अपने माइंड को बेसिकली डाइवर्ट ना करें दूसरी बात कि जब आप आंसर लिख रहे हैं ऐसा बहुत बार होता है कि हम आंसर्स लिखते हैं तो जो आंसर्स के बारे में हमें अच्छे से पता है तो हम उस पर ज्यादा टाइम लगा कि उसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं डो नॉट डू दिस मिस्टेक आई एम टेलिंग रिपीटेडली ये मिस्टेक ना करें जो पता है उसमें कम वक्त लगाइए उससे जल्दी लिखिए क्योंकि वो ऑलरेडी आपको पता है उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है टाइम उनमें लगेगा ज्यादा जिस क्वेश्चन को आपको फ्रेम करना पड़ेगा ठीक है तो डू नॉट इलेबोरेट योर आंसर अननेसेसरली एंड कंज्यूम टाइम ऑफ अदर क्वेश्चन विच इज नीडेड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा दैट इज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए जब तक आप क्वेश्चन समझेंगे नहीं तब तक आप सही लिख नहीं पाएंगे दट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी एक्सिजेंट टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ठीक है उसके बाद आप जब लिखोगे तो आपको वक्त भी कम लगेगा और अच्छे से लिख भी पाओगे क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कोशिश करना है कि क्वेश्चन छोड़ना नहीं है बस लिखना है अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन राइट लिखिए छोड़ना कुछ भी नहीं ठीक है बट अननेसेसरी अननेसेरीबोरेशन नहीं करना है दैट माइट लीड टू द दॉजिटी ऑफ टाइम फॉर द अदर क्वेश्चंस ठीक है तो नए पैटर्न पे इस बार पेपर होना है जीएस जीएसबी इस बार दो सौ मार्क्स के हैं पहले हंड्रेड मार्क्स की होती थी तो इट इज इट वुड बी कंप्लीटली न्यू फर्स्ट टाइम ये पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रही है पहले ऑप्शन भी डेढ़ सौ मार्क्स के होते थे इस बार दो सौ के बाकी इंग्लिश और हिंदी तो सेम है तो जीएस पार्ट और ऑप्शनल पार्ट एक नए पैटर्न पे हो रहा है तो डू नॉट गेट टू मच कंफ्यूज नहीं होना है पेपर देख के आराम से क्वेश्चन पेपर मिले आराम से रीड इट केयरफुली रीड द क्वेश्चन केयरफुली आराम से थोड़ा स्टार्टिंग में आप थोड़ा नर्वसनेस फील होगा बट विद इन फाइव टू टेन बी सेटल डाउन आप सेटल डाउन हो जाओगे और फिर आराम से आप लिखो हैव फेथ इन योर दैट्स इट एंड ट्राई टू कंप्लीट द पेपर ठीक है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली Read the question very carefully. Then only you will be able to write, write the correct answer. Okay? So once again, best of luck to all the aspirants who will be appearing in the H.S. mains examination. Okay? Best wishes from Abhimanyu and family. Okay? God, the Almighty is always with you. Have faith in yourself, and best of luck once again. Thank you.